कोई कोई बोरी इनको भाई। हेलो वेलकम बैक टू द चैनल, उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो मैं आपका भाई रिंकू व्लॉग्स, और जो भाई चैनल पे नया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो भाई पिछले व्लॉग में आपने देखा ही होगा कि हमने खाली किया था यमुनानगर में भाई, उधर ना दो दिन हम रुके, दो दिन खाली नहीं हुआ। अभी ना भाई आ चुके हैं हम यूपी में, यूपी में ना अपनी लोडिंग हो जाएगी कश्मीर के लिए। यहाँ से भाई चीनी भरना है शुगर, तो अभी देखते हैं भाई अंदर हम मिल में आ चुके हैं, देखते हैं भाई कब तक अपनी लोडिंग हो जाएगी। यहाँ पर ना भाई बहुत बड़ी मिल है, तो अभी पहले देखते हैं भाई हम फ्रेश व्रेश हो जाएंगे, क्योंकि ना गर्मी से बुरी हालत हो गई भाई, गर्मी इतनी ज़्यादा है ना भाई बहुत बुरी हालत हो गई। तो पहले नहाएंगे, उसके बाद देखते हैं भाई कब तक अपनी लोडिंग हो जाएगी। जी यहाँ पे फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री, ये चेक करो भाई, बहुत बड़ी फैक्ट्री है भाई, बहुत बड़ी फैक्ट्री भाई। ऊन नाम है इस जगह का, ऊन शामली से पीछे ही है समझो, जलालाबाद से 2 किलोमीटर आगे चल के ना दाएं मुड़ते हैं अंदर, 20-25 किलोमीटर का रास्ता है। तो जगह का नाम है भाई ऊन, हम भी पहले परेशान हो गए थे नाम सुन के, तो फिर हमने पता किया तो मैप पे भी देखा, तो भाई ने लोकेशन डाला, बोला इस लोकेशन पे आ जाओ भाई, ऊन जगह का नाम है। तो भाई बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बहुत ज़्यादा बड़ी फैक्ट्री है भाई। गाड़ी अंदर एंटर हो चुकी है, हमने बोल दिया भाई अभी यहाँ पे, तो एक गाड़ी में भाई एंटर हो चुके हैं हम गोदाम में। तो अपनी गाड़ी की लोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो देखते हैं भाई बादशाह की लोडिंग कब तक कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है, आज पूरी नाइट को चलना है इधर ना भाई, गर्मी से बहुत बुरी हालत हो गई है भाई। हम यहाँ पर है शुगर मिल में, ये देखो भाई, ये देखो ओ भाई माशाल्लाह भाई, गाड़ी हमने अंदर लाई ना, अंदर आते ही इनने गाड़ी का लोडिंग स्टार्ट किया, बोल रहे भाई 20 मिनट में हम गाड़ी लोड करके देंगे। चलो भाई लेबर ना बहुत ज़्यादा है, देखते हैं भाई कब तक अपनी लोडिंग हो जाएगी और निकलते हैं फिर उसी के साथ। हमने बोला है 10-20 मिनट में आपकी गाड़ी हम कंप्लीट करेंगे और आप यहाँ से निकल जाओगे भाई, रातों रात निकलना है। ये देखो भाई मिल कितनी बड़ी, बहुत ज़्यादा बड़ी मिल है भाई। जैसर भाई की गाड़ी इस साइड में भेज दिए लोड करने के लिए, वो लेफ्ट साइड में, तो अपनी अपना बादशाह ना यहाँ पे है। और ये जम्मू की गाड़ी, इसका नंबर हमारे से पहले ही था, बट पता नहीं क्या मसला है बाइक का, इन्होंने इसको बोला आपकी गाड़ी अभी लोड नहीं होगी, कोई मसला है आप क्लियर करो उसके बाद लोड हो जाएगी। ये देखो भाई कैसे लोडिंग हो रही है यहाँ पे, ऊपर से नीचे माल आ रहे हैं भाई साहब, देखो भाई कितना ऊपर माल चढ़ाते हैं फिर वापस उतारते हैं गाड़ियों के लिए, लोडिंग के लिए। है ना यासिर भाई की गाड़ी भी लोड हो रही है भाई, इस साइड में भी देखो कितना ऊपर माल चलाया इनने, देखो भाई। जी फाइनली अपना बादशाह हो चुका है लोड, अभी यासिर भाई की गाड़ी हो रही है, बस उसमें ना 20-40 कट्टे बोल रहे थे रह गया, वो भर के ना अभी हम कांटे पे आ गए, तो कांटा वाना करके बाहर ना रस्सा तुरपाला करके यहाँ से निकल जाएंगे बड़े वाले रोड पे, तो हम यहाँ से वापस निकलेंगे भाई करनालों के। ये इन्होंने बोला गेट बाहर से ही जाओगे, तो ये रास्ता जाएगा आपको 30-35 किलोमीटर का रास्ता है, अच्छा रास्ता है मैगडम वाला, तो इधर से अच्छा होगा। जी हम आपको पता ही होगी आप सबको कि हम शुगर मिल में आए थे, तो अभी ना जावर बन रहा है, रिंकू भाई और इशफाक भाई जावर बना रहे हैं, पहले हम एक गाड़ी कंप्लीट करेंगे, फिर यासिर भाई की गाड़ी भी है वो भी करेंगे। रिंकू भाई क्या लगता है इस मिल का, क्या बोलेंगे भाई, गर्मी हम गर्मी से मर गए, हमने क्या करना है मिल को भाई, माल भरेंगे और निकल जाएंगे। इशफाक भाई पता नहीं हालत क्या है, गर्मी कितनी है आपको, गर्मी तो है भाई, हमें मिल को क्या करना है। चलो मिलते हैं आपसे आगे, तब तक के लिए आप नज़ारे चेक कर लो यासिर भाई। तो अभी ना रात के बज चुके हैं भाई 1:30, तो अभी अपना सफ़र कंटिन्यू है, बस हम पहुंचने वाले हैं अम्बाला, रुके थे दाल रोटी खाया, क्योंकि दिन को भी खाना नहीं ना खाया, अभी शाम को भी खाना नहीं खाया, अभी अपना सफ़र है भाई कंटिन्यू। उज़ैर भाई देखो क्या कर रहा है भाई, हिसाब लिख रहा है उज़ैर भाई, क्योंकि इसको मैंने बोला है यासिर भाई साथ नहीं है, हिसाब लिख के रखो, क्योंकि उसका पैसा ना नहीं आना चाहिए यार, क्योंकि उस बेचारे का ना वो घर में बैठा है, भरोसा होता है
अगर हमारी तरफ से ही 100-200 जाएगा तो कोई बात नहीं, बट उसका पैसा नहीं आना चाहिए। तो अभी चलते हैं भाई कंटिन्यू, आज पूरी रात को चलना है क्योंकि सुबह ना यहाँ की कार्रवाई है, जम्मू से श्रीनगर के लिए कार्रवाई भाई पकड़नी ज़रूरी है, इसलिए भाई हम कंटिन्यू रात को चलेंगे इंशाल्लाह। अगर नींद नींद आ गई तो आगे जाके ना उज़ैर भाई को गाड़ी दूंगा, तो खुद मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा 1-2 घंटे, उसके बाद फिर से कंटिन्यू अपना सफ़र भाई। रिंकू भाई को नींद आई थी, चेक करो। रिंकू भाई, ए रिंकू भाई लेट हो। अभी ना हम पहुंच गए भाई सांबा, तो यहाँ पर ना हम चाय पीने लग गए, तो अपनी गाड़ियाँ ना इधर रखी है हमने, पहले चाय वाय पियेंगे, भूख ना बहुत ज़्यादा लगी है भाई, ना तो हमने कल शाम को खाना खाया ना आज दिन को, बस यही चाय पे गुजारा किया, और कल रात को ना दाल रोटी खाई थी, अभी पहले चाय पी रहे, देखते हैं भाई ये भाई लोग चाय पियेंगे और निकल जाते हैं फिर भाई यहाँ से, क्योंकि यासिर भाई आगे वेट कर रहा है। अभी ना रात के बज चुके हैं भाई 12:15, अभी अपना सफ़र है कंटिन्यू, तो कल भी ना पूरी रात को हम चले थे भाई, फुल नाइट गाड़ी चलाए, सुबह फिर 6 बजे के बाद 2 घंटे आराम किया था मुल्तानी ढाबा पे, तो वहाँ से निकल के ना अभी हम पहुँच गए जी नगरोडा, क्रॉस कर लिया, तो अभी चल रहे हैं हम बस बन टोल की ओर, अभी अपना सफ़र कंटिन्यू है, तो आगे देखते हैं भाई कहाँ पे कार्रवाई रोकी है, तो कहाँ तक छोड़ेंगे। और ये पंगा किया है उन्होंने, ये रात को ये ट्रैफिक बंद रखते हैं, अभी उन्होंने नया ही कुछ सीखा, आज उनने कार्रवाई छोड़ी है दान रोड की, जम्मू वाली कार्रवाई तो नहीं छोड़ी है, बोल रहे हैं एक भी गाड़ी नहीं छोड़ी है ऐसे भाई, इनको पता था बड़ा दिन है, ईद है, ईद आने वाली है 2-3 दिन के बाद, तब भी इनने गाड़ियाँ रोकी, इनको पता था इसमें जितने भी ड्राइवर भाई थे इधर कार्रवाई में इनको छोड़ना था, क्योंकि हर कोई भाई ईद ना अपने घर में करे अपनी फैमिली के साथ, बस इनको ये टेंशन नहीं है भाई ट्रक ड्राइवर ईद के दिन भी रोड पर सो जाएगा ना, इनको कोई टेंशन नहीं है। बाकी चलो देखते हैं भाई काम। अभी ना रात के बज गए 1:17, अभी लग चुका है अपना खाना, ऐसे ना भाई कार्रवाई रोक दी गई, तो हम पहले खाना खाएंगे, हम यहाँ से इस वाले, ओ भाई ये क्या पकाया, क्या है। रात के बज चुके हैं 3:20, तो हम आ चुके हैं बनी नाला, तो अपने बादशाह मैंने यहाँ पे तेल डालेंगे, और यासिर भाई की गाड़ी में भी तेल डालना है, तो पीछे ना हमने तेल डाला ही नहीं था, तो हम बाहर से आए यूपी से, तो अपनी गाड़ियों में यहीं पे तेल डालेंगे, करते हैं फिर से अपना सफ़र कंटिन्यू, टनल पार करके ना रेस्ट करेंगे, वहाँ सो जाएंगे भाई, क्योंकि उतनी हिम्मत नहीं रही भाई चलने की, तो गाड़ी वहाँ पर साइड लगा के ना रेस्ट करेंगे भाई। अभी ना भाई रात के बज चुके हैं 4:15, और हम एंटर हो चुके हैं भाई टनल में, चिनानी टनल में, तो पार जाके ना हम सो जाएंगे, क्योंकि आँख ज़्यादा लग रही है भाई, नींद आ रही है, कल भी मैं पूरी रात नहीं सोया, आज भी नहीं सोए, तो ये भाई लोग सोए हुए हैं, तो अभी पार जाके ना सो जाएंगे, सुबह 9-10 बजे निकल जाएंगे आराम से। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल, तो अभी हम भाई चल रहे हैं डिडोल में, पीछे ना हमने रेस्ट किया था, हम सोए थे, अभी आगे ना थोड़ा जाम लगा है हल्का सा, क्योंकि आगे ना घोड़े दो चल रहे हैं, घोड़ों की वजह से भाई जाम लग गया थोड़ा, अभी हम भी चल रहे हैं आराम से, तो देखते हैं भाई, इनको साइड खाना ज़रूरी है भाई, वरना ना भाई इनके पीछे बहुत बुरी हालत हो जाएगी जाम में। पहुँच गए जी बनिहाल, तो यहाँ पर ना भाई हल्का सा जाम लग चुका है, तो अभी यासिर भाई वो आगे है, बस निकलने लगी गाड़ियाँ, आहिस्ता आहिस्ता बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है, तो पीछे भी ना जाम लग चुका है। साहब जिंदाबाद, साहब जिंदाबाद। यहाँ से देखो भाई माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, ये देखो भाई, अभी हम आ गए जी बनिहाल रेलवे स्टेशन के पास, बस काजीगुंड की कार्रवाई भी वहाँ से छोड़ी, और देखो भाई जाम कितना ज़्यादा लग चुका है भाई, क्योंकि पीछे बनिहाल मार्केट में ना जाम बहुत ज़्यादा है भाई, उस वजह से बहुत ज़्यादा जाम लगता है,
फिर गाड़ियों की जो कानवाई टूटती है ना इसी बनियाल की वजह से भाई। देखो भाई, भाई अभी कानवाई छोड़ी 10-20 मिनट हो गए तो गाड़ियाँ आ गई। देखो भाई पूरा जाम लग चुका है। आज ना छोटी गाड़ी सारी गाड़ियाँ इसी कानवाई में फंस गई है। हम अभी एंटर अपने कश्मीर वाली टनल में, बस अभी गाजीपुर निकल जाएंगे। अपना माल ना अनंतनाग के लिए है भाई, तो उसको फ़ोन किया व्यापारी साहब को, उसने बोला मेर बाज़ार पहुँच के मुझे कॉल करो। देखते हैं भाई अगर आज इंशाल्लाह जल्दी खाली हो जाएगा, उसके बाद भाई सीधे शाम को घर, क्योंकि आगे ईद है, घर में ही रहेंगे। ईद के बाद फिर निकलेंगे भाई चौथी ईद को इंशाल्लाह। बस ईद के बाद जाएंगे भाई लद्दाख के लिए, लद्दाख का माल भरेंगे। तो ये है जयनासुर भाई, खाना वाना हमने खाया, अभी आ गया भाई लेने हमें हरियाणा भाई। हम अभी इधर अनंतनाग में है भाई, वहीं पे है तो इशफाक भाई वहीं है, वो खाली करेगा तो हम घर जा रहे हैं। उजैर भाई में और ये भाई रीना भाई आप कहाँ थे? अनंतनाग में थे। अच्छा, भाई को मैंने फ़ोन किया, भाई ने बोला मैं इधर ही हूँ, तो अभी हम भाई के साथ घर जा रहे हैं। तो भाई चलो करते हैं हम अपना सफ़र फिर घर की ओर।